फ्रेंड्स वेलकम टू टी एस एन स्कूल सब्जेक्ट फिजिक्स एंड क्लास 12th. ओके चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. पार्ट 1 हमने आपको टीच करवा दिया. अब आपका आज है पार्ट नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट करंट. आपका क्या है पार्ट नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट करंट. अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ गॉस लॉ क्या कहता है आपका डॉट मैग्नेटिक फील्ड डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई. बट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल देयर इज अनदर करंट इन द सर्किट विच इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट दैट्स कॉल्ड बी आई डी. देन बी रिटन एज बी डॉट एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई. म्यू नॉट आई की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट लग दिया म्यू नॉट आई प्लस आई डी. ओके दिस रूल इज कॉल्ड एम्पियर्स मैक्सवेल रूल वेयर आई डी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट करंट एंड आई इज इक्वल्स टू कंडक्शन करंट. डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट विच कम्स इन टू प्ले इन द रीजन इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग विथ टाइम. ओके वी नो दैट आप जानते हो कि फाई इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट. Difference both sides with respect to time. Differentiate both sides with respect to time. d phi upon dt is equals to d upon dt q upon epsilon naught. d phi upon dt is equals to 1 upon epsilon naught dq upon dt. और I जो होता है current is equals to charge upon time q upon t. तो dq upon dt is equals to id आ जाएगा आपका. d phi upon dt is equals to 1 upon epsilon naught id. यहाँ से आई डी का वैल्यू क्या निकल एफ साइलेंट नॉट डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू आई डी. तो आई डी इज इक्वल्स टू एफ साइलेंट नॉट डी फाई अपॉन डी टी. नाउ एम्पियर्स मैक्सवेल रूल कैन बी रिटन एज कैसे लिख सकते हैं. आई डी का आपके पास वैल्यू आ गया तो बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट प्लस म्यू नॉट के अंदर आई प्लस आई डी आता है. तो आई और आई डी की जगह आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एफ साइलेंट नॉट डी फाई अपॉन डी टी. ओके अब आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. द होल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज वेवलेंथ्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चेंज इन एन ऑर्डर इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ओके इन कंसिस्ट्स ऑफ अ फॉलोइंग वेव्स रेडियो वेव्स माइक्रोवेव्स इंफ्रारेड्स विजिबल लाइट्स अल्ट्रावायलेट रेजेस एंड एक्स रेजेस एंड लास्ट इज गामा रेजेस. ठीक है ये देखिए हमने एक टेबल बना रखी है. आप इसको नीचे से स्टार्ट करेंगे गामा रेस एक्स रेस अल्ट्रावायलेट रेस विजिबल लाइट इंफ्रारेड माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स. जो ऊपर की तरह मैंने इस तरीके से एरो बना रखा है दैट इज अ वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड नीचे भी आपका एरो इसी तरीके से है दैट इज कॉल्ड बी फ्रीक्वेंसी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. ओके ये जो ऊपर हमने जो वैल्यूज रख रखी है 10^3 10^-1 -3 -7 -7 -8 -10 एंड -14 ये वैल्यूज आपको एक तरीके से लर्न करनी पड़ेगी. वहाँ से आपको नीचे वाली वैल्यू अपने आप निकल सकती है. जैसे लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है सी अपॉन म्यू. सी में जो स्पीड ऑफ लाइट उसमें जो वैल्यू आती है 3×10^8 एक तरीके से पावर वाली खाली आप 10^8 कितना आता है 8 और म्यू का वैल्यू आप ये यहाँ से निकालेंगे. ठीक है तो म्यू इक्वल्स टू क्या निकलेगा आपका म्यू इक्वल्स टू सी ये म्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन सी. ओके यहाँ से वैल्यू आप निकालते जाओगे म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा. सी यानी कि 10^8 ऊपर है और लैम्डा की वैल्यू 10^3 तो 10^5 8 में से 3 गया 5 ऐसे ही आपके -1 और 8 तो माइनस ये -1 ऊपर चला जाएगा तो प्लस का 9 3 भी आपका 8 के साथ ऊपर चला गया तो 11 7 ऊपर चला गया 15 ऐसे ये ऊपर जाएगा तो ये 15 8 जाएगा तो 16 10 जाएगा तो 18 14 जाएगा तो 22. ओके ये हमने जो इस तरीके से एक जो कर्व एक इस तरीके से जो हमने ये फ्रीक्वेंसी का ये बना रखा है ये एक पूरा क्या कहलाता है आपका वेव लेंथ. ओके और एक सेकेंड में कितने ऑक्सीलेशन होते हैं दैट कॉल बी फ्रीक्वेंसी. ये वेव टाइप है वेव लेंथ है एंड फ्रीक्वेंसीज इन हर्ट्स और वेव लेंथ इन सेंटीमीटर्स. रेडियो वेव माइक्रोवेव इंफ्रारेड वेव विजिबल अल्ट्रावायलेट रेड एंड एक्स रेज एंड गामा रेजेस.
इनकी वैल्यूज़ जो लिखी हुई है ये आपकी बुक की सारी वैल्यूज़ हैं, इनको आपको एक तरीके से लर्न करना, एक दो मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब मैं आपका यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सबसे पहले रेडियो वेव्स के यूज़ क्या हैं आपके, देर आर यूज इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस, दीज आर यूज इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस, दीज आर यूज इन सेल फोन्स एंड दीज आर यूज इन टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग। फिर सेकेंड है आपका माइक्रोवेव्स, दीज आर यूज फॉर कुकिंग पर्पज इन माइक्रोवेव, दीज आर यूज इन रडार सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन टू मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल और स्पीड ऑफ क्रिकेट। थर्ड नंबर है आपका इंफ्रारेड वेव्स, दीज आर यूज इन फिजियोथेरापी टू ट्रीट मस्क्यूलर स्ट्रेन, दे आर यूज इन सोलर वाटर हीटर्स एंड कुकर्स, दे आर यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग। फिर फोर्थ नंबर पे आपका विजिबल लाइट टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड इन मूवी स्क्रीन, इन सिनेमा हॉल्स, इन लेजर्स। अल्ट्रा वायलेट रेज टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया इन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, इन बल्गलर अलार्म, इन वाटर प्यूरिफायर्स। एक्सरे टू डिटेक्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स, टू क्योर स्किन डिजीजेस, टू डिटेक्ट एक्सप्लोसिव्स इन द बॉडी ऑफ स्मगलर्स, इन डिटेक्शन ऑफ क्रॉक्स ऑफ द ब्रिजेस। लास्ट है आपकी गामा रेज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इन प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये आपको मैंने एक बार वापस लिख दिया है, रेडियो, माइक्रोवेव्स, इंफ्रा विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज एंड गामा रेज। ऊपर आपका वेवलेंथ आती है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, नीचे फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसको याद करने का आपका क्या है, रमी वक्स जी। ओके, अब आपका आता है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, माइक्रोवेव ओवन। इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड इन किचन फॉर हीटिंग एंड कुकिंग द फूड। फिर आपका द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ओवन इज टू क्रिएट माइक्रोवेव रेडिएशंस ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इन द वर्किंग स्पेस ऑफ द ओवन वेयर द फूड इज टू बी कुक्ड। ओके, ये फ्रिक्वेंसी होती है जहाँ फूड क्या होता है, कुक हो जाता है। फिर आपका दिस रेडिएशंस मे मैच द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच इज अबाउट 3 GHz। इन दिस सिचुएशन द एनर्जी फ्रॉम द वेव इज ट्रांसफर्ड इफिशियंसी टू द काइनेटिक एनर्जी फॉर द ऑफ द मॉलिक्यूल। जो एनर्जी ट्रांसफ़र, इनकी जो इफिशियंसी की जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मतलब माइक्रोवेव में अगर आप कोई चीज़ गर्म करते हो वो आपको ऐसा लगता है बिल्कुल अभी अभी हमने फ्रेश बनाई हुई है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स की जो इफिशियंसी होती है वो ट्रांसफ़र होती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में है। ओके, अब आपका है द माइक्रोवेव ऑफ दिस फ्रिक्वेंसी इज ऑफ एनर्जी इक्वलेंट टू द हीटिंग ऑफ अप वाटर। वन माइक्रोवेव ऑफ दिस फ्रिक्वेंसी फॉल ऑन द फूड आइटम कंटेनिंग वाटर द लाइक फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक्सेट्रा प्लेस इन ओवन द वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्व दिस रेडिएशंस दिस एनर्जी इंक्रीजेस एंड मॉलिक्यूल्स शेयर देयर एनर्जी विद द नेबरिंग फूड मॉलिक्यूल्स ड्यू टू दिस द एंटायर फूड गेट हीटेड। ओके, आप क्या है आपका, इन माइक्रोवेव ओवन वी शुड यूज पोर्सलिन वेजल्स एंड हॉट मेटल्स कंटेन्स फॉर कुकिंग द फूड आइटम। इट इज़ रिक्वायर्ड टू अवॉइड डेंजर ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक एंड आल्सो मेल्टिंग द मेटल। जो माइक्रोवेव ओवन के जो वेजल्स आते हैं, जो पॉट्स आते हैं, वो पोर्सलिन के होते हैं, जो मेटल के नहीं होते हैं। कुकिंग कर सकते हैं इसमें, फॉर कुकिंग द फूड आइटम। इट इज़ रिक्वायर्ड अवॉइड डेंजर ऑफ गेटिंग, इससे क्या होती है, जो भी डेंजर की कंडीशन आती है वो इसको अवॉइड करती है, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं होते हैं एंड आल्सो मेल्टिंग द मेटल, और वो मेटल क्या होते हैं, मेल्टिंग भी नहीं होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओवन में आप गैस में नॉर्मली आप हीट करोगे तो वो चीज़ वैसे गर्म नहीं होगी जितना आपकी ओवन में होती है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं और उनको आपका ऐसा लगता है कि वो फ्रेश बना हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो चैप्टर है आपका यहीं पर फिनिश होता है। ओके,